कर लो एंड देन सेंड मी फॉर चेकिंग. ओके मिस, सो वी डिस्कस द यूजेस ऑफ इंटरनेट आल्सो. दैट वाज क्लियर, द टॉपिक इज क्लियर ना? यूजेस ऑफ इंटरनेट. ऑन योर कैमरास. हरिया, रोहन, अश्मित, हरनूर, हरिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसमिशन मीडियाज. ट्रांसमिशन मीडियाज हमने जब भी बार बार नेटवर्क की डेफिनेशन स्टडी करी एंड एवरी टाइम वी स्टडीड दैट वी आर कनेक्टिंग द डिवाइसेज, बट हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट द डिवाइसेज. वी आर कनेक्टिंग द डिवाइसेज यूजेस यूजिंग वायर्स और थ्रू वायरलेस. ओके, सो दैट इज द ट्रांसमिशन मीडिया. The media through which we are going to connect our devices either with the wires or without the use of wires. So two types of transmission medias are wired media and wireless medias. Wired medias are also called as bounded media or guided media, whereas wireless are also known as unbounded or unguided. Bounded and guided means we are connecting the computers through cables or wires. And wireless means when you are connecting the computers through Bluetooth, some infrared rays, satellite connections. So we are sending the signals, we are using the signals for establishing the connection among the devices. We are not using any physical media, we are not using any physical wires for attaching them. We are using signals for sending the data from source to the destination through the wireless means. Clear ho gaya? Types of transmission medias. Next, what are the types of transmission media? So three types of transmission medias are there. That is twisted pair cables, coaxial cables, and fiber optical cables. So twisted pair cable, the most you can say earlier it was used. You might have seen the red and black color wire which is twisted around each other. Have you seen that? बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार लाइट्स के नीचे लगी होती है रेड एंड ब्लैक कलर की वायर, वो आपस में ट्विस्ट हुई होती है लाइक अ स्पाइरल शेप. ओके, सो दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल एंड दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन दैट व्हेन वी हैव टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स यूजिंग द वायर्स. सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड दिस इज वेरी यू कैन से इनएक्सपेंसिव और लीस्ट एक्सपेंसिव एज कंपेरेटिवली टू द कोएक्सियल केबल एंड द फाइबर ऑप्टिकल केबल. Ratherly जो twisted pair cable है that is more cheaper than coaxial and the fiber optics, right? The second one is the coaxial cable. So coaxial cable consists of a solid wire. It consists of a solid wire. आपने देखा होगा cable TV की, देखिए you attach the table cable wire ना, मोटी सी black color की wire होती है. अगर आप उसको खोल के देखो, उसको करो, तो उसके अंदर एक प्लास्टिक निकलता है. प्लास्टिक के पहले ब्लैक कोटिंग है, उसके अंदर व्हाइट कलर का एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक के अंदर कॉपर वायर निकलती है जिसको आप ऐसे ऐसे करके फिर स्विच में लगाते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोएक्सियल केबल. तो इसमें टू टू थ्री लेयर्स आर देयर, क्योंकि जो आपका आउटर लेयर है, फिर आपका अंदर वाला लेयर है, और सबसे अंदर जो जिसमें करंट पास हो रहे सिग्नल्स आर ट्रेवलिंग दैट इज ऑफ कॉपर. ओके, सो इट इज फॉर हाई, यू कैन से हाई ट्रांसमिशन स्पीड इज देयर फॉर द कोएक्सियल केबल एज कंपेरेटिवली टू द ट्विस्टेड पेयर केबल. लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट है जो नाउ डेज वी आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड द फाइबर ऑप्टिकल केबल्स. क्योंकि फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होता है दैट इज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ लाइट. लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है और लाइट हमेशा सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है. सो द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स. Among these three, the slowest one is the twisted pair cable. लेकिन अगर हम टर्म ऑफ कॉस्ट में बोले तो ट्विस्टेड पेयर इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड फाइबर ऑप्टिक इज एक्सपेंसिव. सो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर्स दैट कैरीज इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंसीज एंड इट ट्रेवल्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ओके, सो दीज थ्री वायर्ड मीडियाज आर क्लियर. Any doubt? Next are the wireless medias. So under the wireless medias, jiske through we can able to connect our devices, we can able to make the connections. So such medias which were available to us in the Wi-Fi form, that is Wi-Fi
ये तो सबके घर में लगा है, सबको पता है. सो वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी. सो यू हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ इट. वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी. सो दिस फेसिलिटी लेट्स यू कनेक्ट टू द इंटरनेट विदाउट द डायरेक्ट लाइन और विदाउट द डायरेक्ट वायर्स. यू कैन एबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विदाउट एनी वायर्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. द रेंज ऑफ द वाईफाई इज अप टू 60 meters. The range is limited to a 60 meter. Now, what do you all need for connecting the devices through Wi-Fi? आपको क्या-क्या चाहिए? Firstly, हमारे पास internet connection होना जरूरी है from the ISP. जैसे कईयों के घर पे Airtel का लगा होगा, कईयों के घर पे Aircel का लगा है, then BSNL, MTNL, Connect, Vodafone. So, firstly, we need to have the internet connection. Then, for establishing the Wi-Fi, we need a wireless router. Router चाहिए हमें एक एंड दी कंप्यूटर सिस्टम जिसके साथ आप अपनी कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे थ्रू द वायरलेस इंटरनेट कार्ड. ओके, सो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड अंडर द वाईफाई. इंटरनेट कनेक्शन, वायरलेस रूटर एंड द वायरलेस इंटरनेट कार्ड इन अवर कंप्यूटर सिस्टम. चाहे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो. द नेक्स्ट इज द रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स आप लोगों ने FM चैनल सुने तो वो क्या है? वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज हैं. We can able to connect with the devices. We can able to connect with the radio centers through the radio waves. Okay, the frequency is up to 10 gigahertz. So these are the radio frequencies which allows or which makes the transmission possible. But it is very of shortest distance. Bluetooth हमने कल भी study करा था. When you want to transfer your data from laptop to laptop, from laptop to mobile, or from mobile to mobile, mobile to laptop. So a very shortest distance in some meters when we making the connection between the devices. So Bluetooth technology is used. Next are the satellites and the radio waves. आपने microwave, sorry, आपने अपने घर पे देखा होगा, घर के ऊपर एक dish antenna लगा होता है. So the satellite signals are there. वो dish antenna आपने देखे, एक plate सी लगी होती है और उसके आगे mic लगा होता है. आपने अपने घर yes, देखा होगा ना, वो क्या है? वो जो माइक है वो सिग्नल कैच कर रहा है. कहाँ से सिग्नल कैच कर रहा है? फ्रॉम दी सैटेलाइट. ठीक है, जो सैटेलाइट हमारे होते हैं वहां से कनेक्शन उसका कैच होता है. वो जो प्लेट लगे वो माइक के साथ. आपने बहुत बार ये भी नोटिस किया होगा, जब कई बार वेदर हमारा खराब होता है तो हमारे टीवी के सिग्नल नहीं आते हैं. अदरवाइज टीवी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ऑल दी चैनल्स आर अपीयरिंग. जब भी वेदर खराब होता है सैटेलाइट को एंटीना से सिग्नल प्रॉपरली कैच नहीं कर पाता और वहां पे आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियोस आर नॉट विजिबल. वहां पे आता है ना नेटवर्क इज लो. ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द रॉन्ग वेदर तो आपका एंटीना सैटेलाइट से कनेक्शन या आपके सिग्नल्स को सीक नहीं कर पाता. ठीक है, सो दैट इज द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. सिमिलरली माइक्रोवेव्स में भी ऐसे है, जब आप लॉन्गर डिस्टेंस पे लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में यू वांट टू मेक, तो हम वहां पे माइक्रोवेव्स के थ्रू सिग्नल्स को कैच करते हैं. सो द माइक्रोवेव्स थ्रू विच वी आर एबल टू ट्रांसमिट अवर डेटा. सो सैटेलाइट में आपको जो मैंने बताया, सैटेलाइट ऊपर होते हैं तो हमारे सिग्नल्स वहां पे कैच होते हैं. लेकिन जो माइक्रोवेव्स हैं, इन दिस ऑल्सो वी कैन एबल टू ट्रांसमिट अवर डेटा एंड सिग्नल्स विदाउट द यूज ऑफ केबल्स, without the use of any wires, and it is a line of sight transmission. Line of sight transmission means the data will travel in the straight line. अगर आप अपने TV screen के ऊपर कोई channel लगाया हुआ है, आप अगर आपने and you are changing the channel through the remote, can it be possible आप दूसरे room में बैठ के remote से channel change कर रहे हो? अगर बीच में कोई भी obstacle आ जाता है तो आपकी लाइन डायरेक्ट लाइन नहीं जाती, आपका चैनल चेंज नहीं हो पाता है. वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे दिस टेक्नोलॉजी इज वर्किंग एंड दैट इज अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट. डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मींस स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट. इट शुड बी द पाथ शुड बी क्लियर सो दैट द वेव्स कैन बी इजिली ट्रांसमिट. अदरवाइज इन केस बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, इट विल नॉट पेनिट्रेट योर वेव्स. आपकी वेव्स ही नहीं ट्रांसमिट होंगी, आपकी वेव्स उसको क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे ऑब्स्टेकल को, एंड इट इज अनएबल टू ट्रांसमिट अवर data. All right, any doubt? Wireless medias are clear. Again the cameras are off. Vaibhav, Ayan, Shubham, Sarthak, Anushka.
ऑन योर कैमराज बच्चे, हरी अप, ऑन योर कैमराज। मैं अटेंडेंस नहीं मार्क करूंगी, आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस अंटिल योर कैमराज विल बी नॉट ऑन। The next is the concept of cloud computing. So cloud computing means when we are storing and assessing our data over the internet instead of our hard disk or instead of our any pen drives, any physical storage medias or any you can say secondary storage devices. ये हमने first chapter में भी concept पढ़ा था। क्या करते हैं? When we have to store our data, we use pen drives, we use external hard disk. But when you want your data to store not on any physical medium, rather you want to store logically, means you are using the internet space, you are using the space of cloud there, you are not using any computer hard disk, computer hard drives, you are using the space of internet for storing your data and then assessing that data. Pehle aap us data ko store karte hain, uske baad any time you can have access to your data just by giving the credential details. So it is a delivery of computing services, including the servers, the storage, the databases, the softwares, all over the internet. So in order to assess the internet, firstly we will store our data, and then you can assess the data from your cloud. किसी को कोई example पता हो cloud computing की, कैसे हम अपना data internet पे online store करते हैं? Anyone? Have you ever heard this app or seen this app Dropbox? जो Android users होंगे वो Dropbox app उनके cell phone में होती है. What that mean? When you are clicking the pictures, OneDrive. Yeah, OneDrive is one of the example. तो Dropbox में आपकी pictures automatically save हो जाती है. तो that means आपकी mobile phone की space utilize नहीं हो रही है. आपकी mobile की space readily that is free. ठीक है, आपकी मेमोरी फ्री रह रही है क्योंकि आपकी जितनी भी इमेजेस है वो सारी ड्रॉपबॉक्स के ऊपर सेव हो रही है, इंटरनेट के ऊपर, क्लाउड के ऊपर सेव हो रही है. तो वहां पे आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, वेदर यू वांट योर फोटोज टू अपीयर टू एवरीवन और नॉट, यू कैन मेक इट अ प्राइवेट वन. अगर आपको कोई भी इमेज चाहिए, यू कैन ओनली यू कैन असेस फ्रॉम योर क्लाउड. सिमिलरली जो एप्पल फोन यूजर्स होंगे, जो आईफोन यूज करते हैं, तो उनके कौन सा होता है? एंड्रॉयड यूजर्स के सेलफोन में ड्रॉप बॉक्स ऐप होती है फॉर फोटोज. आईफोन यूजर्स के लिए कौन सी ऐप होती है? आई क्लाउड. जिनके पास आईफोन होगा उनको पता होगा, उनके जब भी आप डेटा सेव करते हो तो आप क्लाउड पे करते हो ना, आई क्लाउड पे. सो द सेम वे वन ड्राइव इज देयर. माइक्रोसॉफ्ट की अलग से अपनी क्लाउड है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक डिफरेंट क्लाउड होता है, सो दैट अवर स्पेस कैन बी फ्री. जितनी भी आपकी फिजिकल स्पेस है उसको हमने कम यूज करना है, सो दैट वी कैन प्लेस अवर डेटा ऑन द इंटरनेट. तो उससे क्या होगा? सिक्योरिटी रहती है, प्लस द बैकअप ऑफ योर डेटा विल बी देयर. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, थ्री टाइप्स ऑफ क्लाउड्स रैदर, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड योर हाइब्रिड क्लाउड. Now, what are public cloud? Public cloud means the common cloud service, which is available to all, which is available to the general public. It is a common cloud service, which is made available to the multiple subscribers. Multiple subscribers means कोई भी उसको use कर सकते हैं. जैसे Google की drive, हम Gmail account बनाते हैं तो हमें Google drive मिलती है, सबको मिलती है free of cost. आप खुद कोई उसके लिए पैसे तो नहीं दे रहे हो, you are not paying anything and it is not charging anything from us. सेम वे एमेजोन का क्लाउड सर्विस इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट का अलग से अपना एक क्लाउड है. तो एनी वन कैन यूज जस्ट बाय साइनिंग अप, अपना एक अकाउंट बनाओ माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एंड यू आर एबल टू यूज देयर फैसिलिटीज. सिमिलरली हम जीमेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, हमने जीमेल की आईडी बनाई एंड वी कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ द गूगल ड्राइव. जितना भी डेटा है वो मेरा परमानेंटली मेरी गूगल ड्राइव पे सेव्ड है एंड इट इज नॉट विजिबल टू एनी वन बिकॉज आई हैव मेड इट प्राइवेट. तो आपकी सिक्योरिटी भी लग रही है. ठीक है, तो आपका डेटा ऐसे नहीं कि किसी को भी श्योर है. यू कैन सिक्योर योर डेटा ऑन द क्लाउड सर्विसेज ऑल्सो. सो पब्लिक क्लाउड मीन्स एनी वन कैन यूज, इट इज ओपन टू ऑल.
इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है, ये कंपनीज एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एमेजोन का अलग से है, ठीक है. तो ये सारी थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको क्लाउड प्रोवाइड करते हैं ऑन द इंटरनेट, एंड वी पीपल कैन इजिली यूज देयर सर्विसेस. सो इन पब्लिक क्लाउड वी शेयर द सेम हार्डवेयर, जो मैंने हार्डवेयर वहां से उनका शेयर करके यूज किया है, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज, क्योंकि वो दैट इज अवेलेबल टू ऑल, एनी वन कैन यूज इट बाय साइनिंग अप. साइन अप करो, साइन इन करो, आपके पास लॉग इन डिटेल्स हैं, यू आर ऑथोराइज यूजर टू यूज दैट. सो एनी वन कैन यूज दैट, टू दैट मीन्स आप भी वही सेम हार्डवेयर यूज कर रहे हो, मैं भी सेम वही हार्डवेयर यूज कर रही हूँ, ठीक है. यू कैन यूज योर स्टोरेज, यू कैन यूज योर नेटवर्क डिवाइसेस एंड द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर यूजिंग द सेम क्लाउड. जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनी होंगी अपने डेटा को सेव करने के लिए, सेम काइंड ऑफ क्लाउड दे आर यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल, दो तीन कंपनीज है वो माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हैं, तो हम उनको कैटेगराइज कर देंगे एज अ क्लाउड टेनेंट्स. वी विल कॉल देम एज क्लाउड टेनेंट्स. ओके, सो द एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक क्लाउड आर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल ड्राइव एंड एमेजॉन क्लाउड. So this is the service which is made commonly available to all the subscribers, those who have made their account on such organizations. जिन्होंने अपना इस organization के साथ incorporate करके अपना एक account बनाया होगा, so they are available and they are ready to use the services provided by such cloud service providers. The meaning of public cloud is clear. The next is the private cloud. Private cloud is also known as internal cloud. It is known as enterprise cloud. Enterprise kya hoti hai? Organization, a firm. Internal means within the organization. Sirf organization ke people hi, organization ke employees hi usko use kar sakte hain. We cannot use. Okay, agar koi ek organization hai, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनको वहां पे राइट दिया जाता है, दे आर ग्रांटेड द परमिशन फॉर यूजिंग दैट क्लाउड. वी कॉमन पीपल आर नॉट अलाउड टू असेस देयर क्लाउड सर्विसेज, टू शेयर देयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज. वी आर नॉट अलाउड बिकॉज दैट इज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक के है, दैट इज एक्सटर्नल, ओपन टू ऑल. प्राइवेट मीन्स प्राइवेट असेस, लिमिटेड असेस, only to the authorized users of the organization, internally to the firm, internally to the organization. Okay, so it consists of the computing resources which are owned by any one organization or any business party. So it is maintained on a private network. It is not available to all the general public. For example, कहाँ कहाँ पे use हो सकते हैं? कोई भी organization अपने private cloud बना सकती है. It can be any government agency, it can be any financial institution, it can be any organization, chahe uska koi bhi business kaam ho. So the difference between the public and the private cloud is clear. Yes, any doubt? Anjya Smith? Ma'am, mere naam kya mein ek fake ID hai jo ma'am use kar rahi ma'am from the morning. Usko ma'am please remove kar do. Just a second. Two questions are there in the class. Yes, ma'am. One ma'am, who unmute, ma'am, wo main hu. Agli ma'am fake ID. But it's showing me in my participant list only one ID with the Ashwin. Ma'am, it's ma'am. Wo sir, usne leave kar diya, ma'am. Wo baar baar ma'am aa raha hai. Okay, I will not accept it then. Okay. Thank you for telling. हरनूर सिंह इज ऑल्सो, कभी ये लीव कर रहे हैं, कभी आप एंटर कर रहे हो क्लास में बार बार. दैट्स वाई बच्चे आई टोल्ड यू टू कीप योर कैमराज ऑन, तभी पता चलेगा ना फेक आईडी लेके कौन बैठा है. अगर आपके कैमराज ऑन होंगे तो टीचर कैन इजिली जज दैट यस दिस इज द ऑथोराइज यूजर आईडी, दिस इज अवर चाइल्ड. This was the main reason. So on your cameras, there is no harm in that. आपको नहीं अपना फेस अपना कॉपी पे तो रख सकते हो ना, दिखा सकते हो ना बीच बीच में दैट यू आर द पर्सन विद द सेम आईडी.
हरगुन कर लो अपना कैमरा ऑन. ओके सो पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड बोथ आर क्लियर. द नेक्स्ट इज द हाइब्रिड क्लाउड. नाउ देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर यूजिंग बोथ द बेनिफिट्स. दे हैव मेड देयर ओन क्लाउड ऑल्सो एंड बट दे वॉन्ट टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज ऑल्सो. अपने एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, वो पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज स्टोरेज स्पेस को भी यूज कर रहे हैं. अपना तो कर ही रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने एम्प्लॉयज को दिया हुआ है, बट फॉर स्टोरिंग देयर डेटा और फॉर असेसिंग सम सॉफ्टवेयर दे आर यूजिंग द पब्लिक क्लाउड सर्विसेज ऑल्सो. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक क्लाउड एंड द प्राइवेट क्लाउड टूगेदर दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड क्लाउड. The organizations which are using both the benefits of internal as well as external services provided by public and private cloud. So such organizations are referred under the category of hybrid cloud. Clear? जिसमें दोनों के benefits को use किया गया. The next topic is multimedia. Now what is multimedia? जब भी हम एक टर्म कॉमनली यूज करते हैं मल्टी मीडिया, दिस माइट कम इन योर माइंड. मल्टी मीडिया मीन्स एनी इमेज, इट कैन बी एनी एनिमेशन, इट कैन बी एनी इंटरेक्टिंग सोर्स, कोई वीडियो है, कोई आप सॉन्ग सेंड कर रहे हो. सो दिस ऑल थिंग इज कैटेगराइज अंडर द मल्टी मीडिया. सो इट इज डिफाइंड और एज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मीडियाज. कितने सारे मीडियाज है हमारे पास, सच एज टेक्स्ट मीडिया, टेक्स्ट चैटिंग कर रहे हो, ऑडियो, आप ऑडियो मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भेज रहे हो, एनिमेशंस लगा रहे हो, जिफ इमेजेस भेज रहे हो, राइट, वीडियोस टू प्रोड्यूस एंड शेयर द इंफॉर्मेशन इंटरेक्टिवली. अगर सिंपल पहले अगर आपको पता हो तो पहले सिंपल एक नॉर्मल मैसेजेस होते थे. व्हेन द व्हाट्सएप वर नॉट देयर, व्हाट्सएप के पहले क्या होता था, नॉर्मल मैसेज आता था, दैट इज कॉल्ड SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस. हैव यू एवर हर्ड दैट टर्म SMS? पहले SMS जाते थे, तो सिर्फ टेक्स्ट डेटा होते थे. दैट मीन्स दीज डेटा आर नॉट इंटरेक्टिव. अभी तो अगर आपको कोई एक्सप्रेस करना है, यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, यू वॉन्ट टू विश समथिंग, तो हम फटाफट से क्लिप आर्ट्स भेजते हैं, है ना, क्लिप आर्ट्स भेजते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं, ऑडियो मैसेजेस के साथ किसी को विश करते हैं. तो दैट मीन्स इट इज मेकिंग अवर चैट, इट इज मेकिंग अवर कम्युनिकेशन मोर इंटरेक्टिव. टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है, राइट. So multimedia involves all kind of data that is to be shared among the user to make our information more interactive. Now the elements of the multimedia are text, graphics and images. कोई भी आप graphics भेज सकते हो. Animations can be there like GIF images, audios, videos, data. So these are the five elements of a multimedia. Now the next question is what are the two types of animation. So we are having two types of animation, that is 2D and 3D. Two dimension, three dimension. These are the two types of animations. Next is the audio. What are the various audio file formats? So these are the file formats given. जब भी आप कोई audio file भेजते हो तो आपने देखा होगा पीछे file की एक extension होती है. .mp3, .wma, .wav, .midi, .real audio. So these are the audio file formats. Name the audio file formats: mp3, wma, wav, midi, real audio. Now what are the video file formats? It can be the flash video, avi video, WMV video, QuickTime video, MPEG. So these are the video file formats. Clear? Next topic is social networking sites. All of you are aware of that. You people are using the social networking sites nowadays. What are those? The social networking websites are the sites where the people from different groups, from different countries, from different states, they are able to communicate with each other freely. They are able to interact. They can able to make friends. They can able to find their friends, relatives on the internet, or they can share the information. They can discuss on some common topic of interest. Okay,
So all this is possible through the social networking sites, and on the social networking site, again, all kind of multimedia data can be shared. Either you are sharing the text, you are sharing the pictures, images, videos, and audios. Now let's look at the examples of the social networking sites. So first one is Facebook. It was commonly used. Sab log isko use kar rahe hain, right? Then Instagram nowadays very popular. LinkedIn website क्यों use होती है? This is again a social networking site, but its main purpose is for business, for jobs. You post your resumes there, and the suitable companies according to your resumes will locate you and will send you the job request or the job interview criteria. Okay. Then MySpace is there. YouTube, a very commonly used social networking site. Twitter's, where we are used to do the tweets or blogs. So the concept of social networking site clear. Any other social networking site you know? It's Friendster. Friendster suni hai? So there are a lot of social networking sites available. Just you have to create an account over there, or you can link with your Google account, and the interface will appear. So every social networking site, the interface is different from one to another. The ultimately jo iska jo goal hai, jo purpose hai, that is to build social relations, to interact with someone, to exchange the information freely over the internet. Okay, now lot of security concerns are also there. So har social networking site pe the provisions for the securities are available, so you can use them to make your account secure. Now next are the chattings. So chatting means interactive based, text based communication that takes place over the internet. Agar hum aapas mein kahin pe physically we are interacting with each other, means we are communicating. But when we are sending the messages, either we are sending the text data or either we are sending the voice message bhejte hain jaise hum WhatsApp pe, so that means we are virtually communicating with each other. So virtual communication means that is a chatting. Virtual communication that involves the sending and receiving of messages between the users sitting in any part of the world. If they are located far away, they can easily communicate with their friends or family members. The two types of chats are text-based chats and multimedia chat. Text-based chat means जिसमें सिर्फ आप text data भेजते हो, जैसे email में भी text data भेजते हो, right? Multimedia chatting means video messages भेजते हैं WhatsApp पे. ऑडियो मैसेजेस को रिकॉर्ड करके भेजते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द मल्टीमीडिया चैटिंग, वेयर द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स विल बी इन्वॉल्वड. व्हाइल आप जिफ इमेजेस भेज देते हो, ग्रीटिंग कार्ड जो आपके जिफ वाले होते हैं वो सेंड करते हो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मल्टीमीडिया चैट. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द चैटिंग सॉफ्टवेयर, स्काइप, व्हाट्सएप, वाइबर इज देयर, स्नैपचैट, हाइक, Yahoo Messenger, GTalk, Facebook Messenger. Facebook Messenger की ऐप का नेम क्या है? It's Messenger. Okay, GTalk is for, it's for Google users. Telegram हम use करते हैं. So these are all the chatting softwares. The examples of chatting softwares. You can write any. जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में से देना है. आप कोई भी chatting software दे सकते हो that you are using, that you are familiar with. So any doubt in this chapter to anyone? Multimedia, the concept of multimedia is clear. Social networking sites and chatting softwares. Any doubt? Go through the topics once again. Agar koi aapko doubt lag raha hai kisi bhi topic ke andar, you can ask, you can clear your doubts. So this completes our chapter, bachche. And the syllabus for the final term, note it down. Total 7 chapters are there. Impress, 2 chapters of Kelsey, 5th chapter, this is networking,
and first three chapters of first term. Hardware, so chapter computer system, chapter hardware, types of software, तीन chapter आपके वही हो गए हैं, right? Then social network, ये multimedia वाला chapter आपका networking, fourth chapter, two Kelsey के chapters हैं, chapter number 5 and 6, and chapter number that is 9, impress. So total 7 chapters for the final term exam. I hope the syllabus is clear. Yes, Ashmit. मैं एक बार चैटिंग दोबारा बता सकते हो आप? चैटिंग मीन्स बच्चे when we want to communicate with one another, not physically but virtually over the internet. Internet के ऊपर जब हम किसी के साथ communicate करते हैं, like you are sending me the PDFs. आप मेरे को PDFs भेजते हो चैकिंग करने के लिए, तो आप WhatsApp पे मेरे को message send कर रहे हो. Yes, right, so that is chatting. Means we are able to communicate, we can able to share our information. कोई भी information अगर आपको school की तरफ से आता है that today is holiday, from tomorrow onwards the timings for the school is this. So what is that? You are getting the messages. We are exchanging our information. But how we are exchanging? आपको किसी ने आके घर पे आके नहीं बताया ना? We are sending our messages virtually on a virtual platform that is called internet. So that is communication. And chatting softwares are the softwares which will bridge the gap virtually between the sender and the receiver. And through the chatting softwares, we are able to communicate. We are able to share our information. We can able to send and receive the messages. Now the messages, either it can be textual messages, audio messages, voice messages, video messages, so all kind of multimedia is allowed in chatting. Okay. Thank you. So complete your notebooks, bache, of chapter charts in Kelsey, and send me for checking. Also send this index page along with that.